फेशियल हेयर्स की मेन कॉज क्या है और ये कौन सी एज में जाकर मतलब इसके ज़्यादा? फेशियल हेयर की मेन कॉज तो आपकी अपने एक तो हेयर ग्रोथ है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस सच एज इन वुमेन पॉलीसिस्टिक ओवरीज आर वेरी कॉमन। तो जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है तो आपके खासतौर पर चिन पे और फेशियल हेयर थिक और काले रंग के बाल निकलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये थोड़ा सा लैब वर्कअप भी करवा के देखना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाना पड़ता है कि हमें पहले तो डायग्नोस करना होता है कि रूट कॉज क्या है। तो जो रूट कॉज को भी जब तक ट्रीट नहीं करेंगे तो तब तक हम आगे नहीं चल सकते। एंड मोर ओवर जब फिर उसका ट्रीटमेंट है तो डेफिनेटली आप फिर उसको हेयर रिमूव करेंगे लेजर से। तो लेज़र ट्रीटमेंट है ये सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह? इट्स टोटली सेफ। साइड इफेक्ट्स सिर्फ ये होता है कि व्हेन यू फॉल इन इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स या इफ यू गो एंड यूज सम लो क्वालिटी मशीन्स तो वो बर्न कर सकती है आपकी स्किन। और दूसरा ये कि आपके बाल जो ख़त्म होने के लिए जिसके लिए आप पे कर रहे होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो टाइमली आपको लगता है कि क्लियर हो गए लेकिन वो उसी टाइम के बाद दोबारा रीग्रो करके वापस आ जाते हैं। मतलब ये क्या थिक होते हैं जब रीग्रो करते हैं या उसी? दे आर ऑफ द सेम कैपेसिटी, लेकिन अगर आप अच्छी मशीन पे जाते हैं तो आपकी मशीन तो आपके जब हेयर की रिमूवल हो रही होती है तो स्टेजेस में आपका बेसिकली आपके बालों की लाइफ साइकिल होती है। ये एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल के फेज को हिट करता है जब लेज़र होता है। जो बाल आपकी उस फेज में होता है जो ग्रो कर रही होती है ग्रोइंग फेज है तो वो बाल ख़त्म हो जाते हैं, फिर जो पीछे रह जाते हैं वो निकल रहे होते हैं। वो सेकंड आपकी बीम जब हिट करती है तो वो उस फेज को सेकंड सेशन में हिट कर रहा होता है। तो इस तरह करके आपके 10 से 12 सेशन लगते हैं कि जिसमें आपका फेस पूरा क्लियर हो जाता है। क्योंकि लेज़र्स में मैंने जैसे आपको बताया है कि इट्स नॉट कि मैंने को लेज़र करना है, क्योंकि सेटिंग्स होती हैं, वी जस्ट हैव टू प्रेस द बटन एंड लेज़र इज डूइंग द वर्क इटसेल्फ, ठीक। लेकिन आगे का जो सारा आपका रिजल्ट ओरिएंटेड काम है that depends upon the machine which we are using. There are different brands, there are different countries जो कि lasers वगैरह अपने generate कर रहे हैं, manufacture कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के best lasers की बात करें तो उसमें number one पे Candela का नाम है। NDER technology latest technology है जो कि एक छोटी से circle के अंदर अपनी वो fire करता है beam को, laser beam को, और वो वहाँ से targeted बाल ख़त्म कर देता है, उसकी roots को burn करके ख़त्म करता है, ठीक है। इससे पुरानी टेक्नोलॉजीज थी जो IPL लेज़र्स हैं, फ्लैश लैम्प्स हैं, ये फ्लैश लाइट्स करते हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है और उसकी भी रिजल्ट आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू किंडला या एज़ कम्पेयर टू NDER जो लेटेस्ट है। लेकिन होता यही है कि जब आप कोई भी मशीन, अब किंडला की कॉपी है जो चाइना में है, ठीक, लेकिन अगर आप उसी कॉपी पे करवाएंगे तो वो आपको रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड मिलेंगे, पेशेंट बर्न्स भी होंगे, आपके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, आपके बाल जो हैं जो आप रिमूव करवाने के लिए हेयर रिमूवल करवा रहे हैं वो शुरू में आपको लगेगा कि कम हुए हैं लेकिन दोबारा आ जाएंगे, और समटाइम्स वो आपकी ग्रोथ डबल हो जाती है जब उनकी इंटेंसिटी कम होती है उसके साथ। सो मेरा वैसे आपको मशवरा ये है कि मतलब व्हेनेवर और वेयर एवर यू गो फॉर हेयर रिमूवल, सबसे पहले अपनी ब्रांड चेक करें जो आपको हेयर रिमूवल की मशीन वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। फेशियल हेयर रिमूवल जो लेज़र हम करवाते हैं ये परमानेंट है या कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से? इज परमानेंट, लेकिन एंड पे आके बिल्कुल धीरे धीरे बाल जाता है, थिक हेयर खत्म होता है। इसको करने के बाद क्या हम वैक्स और ये जो ब्लीच वगैरह है वो अप्लाई करना जरूरत नहीं पड़ती? बिकॉज आप जब आपके प्रॉपर्ली बाल ही रिमूव हो जाते हैं तो वैक्स वगैरह। नॉर्मली कितने सेशन में ये परमानेंट खत्म हो जाता है? 10 से 12 करने के बाद ये होता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक हम सनलाइट और हीट को अवॉइड करते हैं लेज़र के साथ, क्योंकि लेज़र की जो बीम निकलती है वो भी हीट ओरिएंटेड होती है। तो उसके बाद हम हीट की कोई भी कांटेक्ट और यूवी लाइट का कांटेक्ट अवॉइड करवाते हैं क्योंकि वो फिर पिगमेंटेशन कॉज करता है। नॉर्मली कौन सी आपको चीज़ें जो कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं जो लेज़र के बाद होते हैं जो नॉर्मल देखा जाता है कि ये आपको हो सकता है? पिगमेंटेशन बहुत रेयर, बहुत रेयर, लेकिन कॉमनेस्ट अगर कहूँगा तो ये है कि बर्न्स हो जाते हैं। और वो परमानेंट स्कार्स होते हैं या हार्डली फॉर 3-4 डेज होता भी है तो वो सुपरफिशियल बर्न होता है, खत्म हो जाता है। कॉस्ट कितनी आती है इसके? नॉर्मल वेरीज फ्रॉम द टाइप ऑफ मशीन यू आर यूजिंग। अगर आप सस्ती मशीन पर कर रही हैं तो आपको 3,000-4,000 एक सेशन पे कर जाएगा। अगर आप देन इट डिपेंड्स आप कोरियन पे हैं, इटालियन पे हैं, कौन सी मशीन की टाइप पे हैं। सो वेरीज फ्रॉम 3,000 टू 10,000 टू 12,000। हमारे यहाँ
बहुत सारे लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जो घर पर रहकर वो किस तरह अपनी स्किन की कर सकते हैं केयर? स्किन पे तो घर पे रह के तो डिफरेंट जो टूटके ही हैं जो वो कर लेते हैं कि फेस पे दही वगैरह का मास्क लगा लेते हैं, बिकॉज दही में आपके लैक्टिक एसिड वगैरह है वो पीलिंग एजेंट होता है। इसी तरह बनाना पील्स होती हैं, विटामिन सी वगैरह आपको ऑरेंज वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। सो बेस्ट तो यही है कि पानी के इंटेक ज़्यादा करें, विटामिन सी यानी कि ये जूसेस में फ्रेश जूसेस पिए, और दूसरा एलोवेरा यूज़ कर लिया करें वंस और ट्वाइस अ वीक, और एलोवेरा के अलावा वो दही का मास्क हफ्ते में एक से दो दफ़ा अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया करें आप। सर नॉर्मली देखा जाता है लोग कहते हैं कि हम हेल्दी डाइट भी लेते हैं, हम पानी का इंटेक भी, लेकिन हमारी स्किन जो है वो भी फिर भी प्रॉब्लमेटिक है, ग्लो नहीं कर रही है। पहले तो ये कि सीरीज ऑफ टेस्ट है जिसमें रूट कॉज देखा जाता है कि कोई अंडरलाइन कोई डिजीज प्रोसेस तो नहीं है जिसकी वजह से आप डल हो रहे हैं या आपका कोई और इशू चल रहा है, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है फिर ये भी देखा जाता है कि आपकी फैमिली इनहेरिटेंस कैसी है, कि आपकी वालदा आपकी बहनें आपके भाई या आपकी फैमिली स्किन कैसी जा रही है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर रेस और जो आपको एक विरासत में चीज़। इसका मतलब ये कि जो हमारी जीन्स है जेनेटिक है वो हमारी स्किन पर इफेक्ट कर रही है, बिकॉज जो आपको फैमिली की तरफ से जीन्स आ रही हैं आपकी स्किन आपकी बॉडी हैबिटेट वही है। आपके इमोशंस आपकी स्किन पर कितना अफेक्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा आपका डिप्रेशन आपके इमोशंस आपका अगर कोई आप टेंशन में स्ट्रेस में है तो डेफिनेटली दिक्कत में उनके फेस आपको नज़र आता है कि डल हो गया, और लेकिन यही है कि जितना फ्रेश होते हैं जितना खुश होते हैं वो ग्लो वगैरह वाली जो बात है वो उसी तरह और बंदा खुश होता है तो ग्लो भी आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, टेक केयर।